तर राहुल गांधी यांच्या बोलण्याचा विपर्यास केला जातोय असं काँग्रेस नेते अशोक चव्हाण यांनी म्हटलंय. देशामध्ये महिलांवर होणाऱ्या अत्याचाराविरोधात जो इतिहास आहे त्याच्या निषेधार्थ राहुल यांचं मत होतं असं अशोक चव्हाण यांनी म्हटलंय. राहुल जी ने जो स्टेटमेंट किया है दिल्ली में या और कहीं जगह पे जहां उन्होंने स्टेटमेंट किया है उसका कॉन्टेक्स्ट अगर आप देखें तो ऐतिहासिक जो भी घटना इतिहास जिसका गवाह है ये तो बात सच है कि सावरकर जी ने उस वक्त क्षमा याचना की थी. उस वक्त उनको सेंटेंस किया गया था, जेल किया गया था, तो इस बैकग्राउंड पर उन्होंने क्षमा याचना की है. उस वक्त फैक्चुअल पोजिशन है, कैन एनीबडी डिनाई दैट, वो तो हिस्टोरिकल फैक्ट है. तो राहुल जी ने इतना ही कहा कि जब देश में पूरी घटनाएं हो रही है, रेप इंसिडेंट्स हो रहे हैं, और उन्होंने जो कहा कि ये दिल्ली एक जैसे रेप इन इंडिया का उन्होंने जिक्र किया था, वो एक बैकग्राउंड है उसकी कि पूरे देश भर में जब इतनी गंभीर घटनाएं हो रही है तो क्या हम सिर्फ चुपचाप बैठे अपना बयान न दें इस गंभीर विषय पर. तो राहुल जी ने कहा, वो अपनी जगह सच है, और उन्होंने कहा कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, वो भी उनका बयान सच है.